हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले पीसी लैगिंग प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ये लैगिंग प्रॉब्लम आता क्यों है। हम जब ब्राउजिंग करते हैं, जब कुछ साइट होता है तो उनमें वायरस रहता है, तो साइट पर जाने से वायरस हमारे पीसी में आ जाता है। या फिर कोई सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ भी वायरस आने के चांसेस रहते हैं। और दूसरा ये है कि आप जब कोई पेन ड्राइव को अपने पीसी में लगाते हैं तो उसके अंदर भी वायरस होने के चांसेस रहते हैं। इसके कारण से भी वायरस अपने पीसी में आ सकता है। इसके कारण आपका पीसी स्लो हो सकता है। तो सबसे पहले अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो ऐप का आप यूज़ नहीं करते उसको यहाँ से सिंपली यहाँ से डिलीट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, उसके बाद रिसाइकल बिन को भी आपको हमेशा खाली रखना है। देखिए, उसके बाद अपने सर्च बॉक्स में कंट्रोल पैनल टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्रोग्राम एंड फीचर्स को यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सभी जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल किए हैं वो सभी का लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगा। आप जो सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करते उसको सिंपली यहाँ से अनइंस्टॉल कर दीजिए। जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं केवल वही सॉफ्टवेयर को आप रखिए। उसके बाद विंडोज प्लस आर बटन को दबाइए और यहाँ पे लिखिए TEMP को दबा के सिंपल यहाँ से ओके कर दीजिए। आपके यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर दिखेंगे, आपको यहाँ पे कंट्रोल ए दबा के डिलीट कर देना है। दोस्तों, ये सभी टेम्प्ररी फाइल होती है जो पीसी को स्लो बनाती है। इन सभी फाइलों को हमें यहाँ से रेगुलर एक वीक में या फिर एक मंथ में आपको यहाँ से आके डिलीट कर लेना है। दोस्तों, ये सभी टेम्प्ररी फाइल होती है जो हमारे पीसी को स्लो बनाती है। इसके बाद दोस्तों, अपने कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस आर दबा के परसेंटेज और TEMP को दबा के परसेंटेज दबा के इसको ओके कर लेंगे। दोस्तों, ये भी एक टेम्प्रेरी फाइल की तरह ही काम करती है। दोस्तों, इन सभी को भी डिलीट करना होगा, उसके लिए कंट्रोल ए दबा के डिलीट पे क्लिक कर दीजिए। जो फोल्डर अगर डिलीट नहीं हो रहा है उनको स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये जो फोल्डर। उसके बाद सिंपली यहाँ पे वापस से अपने कीबोर्ड पर विंडोज़ प्लस आर को दबा के यहाँ पे लिखेंगे TREE। उसके बाद ओके बटन को दबा देंगे। दोस्तों, अपने सिस्टम में हमेशा को एक एंटीवायरस को ज़रूर रखिए। देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ पे क्विक हिल का टोटल सिक्योरिटी का एंटीवायरस है, या कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर जैसे कि आवर्स एंटीवायरस को भी रख सकते हैं। आपको ये सॉफ्टवेयर पीसी स्टार्ट करने के बाद और पीसी को शट डाउन करने से पहले ये सॉफ्टवेयर को एक बार जरूर से क्लीन कर लेना है। ये सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करने के बाद आपको अपने पीसी को रिस्टार्ट करना है। उसके बाद आप देखेंगे अपने पीसी का जो लैगिंग प्रॉब्लम जो आ रहा था वो कुछ हद तक अब कम हो चुका है। देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।